गाड़ी आगे आएगी ना। मैं निवेदन करूंगा आगाज से पहले हम सबसे पहले ये छोड़ना, कृपया आप जगह जाए और ये झंडी दिखाकर हम सभी लोग के बीच में माननीय सांसद बस्ती माननीय विधायक बस्ती सदर माननीय बना है कर्तव्य ध्वनि से आप सभी लोग सम्मिलित हो एक बार फिर जोरदार ताली बजाएं और यह संकल्प हम दोहराए कि विशेष संचारी रोग को का दीप है, ये जलते रहना चाहिए, हमारे विश्वास का ये दीप है। उत्तर देश की जनता के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उन्हें सुरक्षित करने का संकल्प और उसके साथ ही इस धरा पर तालियां भरपूर बजनी चाहिए, तालियों में कमी ना हो, ये आपका स्नेह है। चिकित्सा विभाग तथा अन्य विभाग के अधिकारीगण, देवियों, सज्जनों और मीडिया के साथियों, स्वामी प्रसाद मौर्य जी माननीय मंत्री श्रम एवं सेवा योजन, श्री हरीश द्विवेदी जी माननीय सांसद बस्ती, श्री संजय चौधरी जी माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत बस्ती। गुरुवार को जनपद बस्ती में माननीय मुख्यमंत्री जी का वीआईपी कार्यक्रम था। वीआईपी के जनपद में आने से 45 मिनट पूर्व प्रेक्षागृह में एक व्यक्ति अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर के पहुँच गया था, जिसको तत्परतापूर्वक वहाँ पर ड्यूटी कर रहे सीओ साहब ने देखा और तत्परतापूर्वक उसको बाहर निकाला गया, उसकी पहचान करी गई, उसके बारे में जानकारी की गई। ये समस्त कार्यक्रम वीआईपी के जनपद में लैंड होने से 40 मिनट पहले ही हो गया था, किंतु दो जगह फ्रिस्किंग होने के बावजूद वो रिवॉल्वर अंदर तक आने में सक्षम रही। इसमें प्रथम दस्या जांच कराने पर 7 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए, जिसमें से 4 पुलिसकर्मी जनपद बस्ती से लगे हुए थे ड्यूटी में और 2 पुलिसकर्मी सिद्धार्थनगर से लगे थे और 1 संत कबीरनगर से लगे थे। जनपद बस्ती के 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। अन्य 3 पुलिसकर्मियों के संबंध में उनके संबंधित एसपी को रिपोर्ट भेजी गई है। इस संबंध में विभागीय कार्रवाई प्रचलित है। जो सर जो व्यक्ति पीछे उड़कर अंदर घुसा, क्या सर अभी उस पर कार्रवाई की गई है, लाइसेंस निरस्ती के लिए कोई लेटर लिखा गया सर? जो उसका लाइसेंसी रिवॉल्वर था उनकी मंशा के बारे में जानकारी की जा रही है, उसमें अभी जो कार्रवाई होगी वो आपको आगे अपडेट की जाएगी। सर जबकि लाइसेंस का जब दिया जाता है लाइसेंस, उसमें उनके बाद कोई और ट्रेनिंग भी कराई जाती है रख रखाव लेकर के, और कहीं जैसे धार्मिक स्थल हुए या कोई बीबीवाईबी ड्यूटी हुई वहाँ ना ले जाने का उनको बताया जाता है, उसके बाद भी उन्होंने सुरक्षा घेरे तोड़ के गए, तो इस पर तो कार्रवाई सर क्या किया जाएगा? इस पर जांच की जा रही है, शीघ्र ही इसमें आपको अपडेट किया जाएगा।